अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे पास 3D मॉडल्स पड़े हुए हैं, यानी एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। जिस तरह ये की चेन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें बनी हैं वो बनी हैं इस 3D प्रिंटर से। इसमें प्लास्टिक के साथ ये चीज़ें 3D प्रिंट करता है, वो आपको सारा दिखाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में लेके आए हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, करोड़ों अरबों की है। आज आप इस तरह की मशीन आपके घर में आ सकती है, 1.5 लाख से शुरू होती है, और उसके ज़रिए आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये है क्या और यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज हमारे आम लोगों को टेक्नोलॉजी आम नहीं है, ये वो चीज़ है जो आज हम बताएंगे। बेसिकली के आप क्या कहते होते हैं, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हर वीडियो में। तो बहरहाल आज का ये दिन दोबारा से बहुत बड़ा है, इस हवाले से कि हम आज जो आम लोगों तक एक्सेस है टेक्नोलॉजी की देना चाहते हैं। चाइना, जापान, ये वो हर आम बंदे तक बहुत सारी जो हाई टेक्नोलॉजी है वो एक्सेस है, जिस वजह से वो भी सोचता है, वो भी काम करने जो है लग जाता है। आज ये देखें कि जो अभी मैं इसे बता भी ये रहा था कि आप ये देखें, ये जो है ना, ये आम गिलू गन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये गिलू गन, आम लोगों को पता है इसका ये क्या है। अब आप देखें, ये इसमें राड है जो बेसिकली गिलू है। अब आप देखें यहाँ पर ये हीट होती है, आप दबाते हैं और फ़र्ज़ करें ये देखें, ये जो है इससे मटीरियल निकल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह करता जाता हूँ, ये देखें, तो ये एक गोल दायरा सा बन जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ, बस ये कंट्रोल करती है ये मशीन। अब आप जो है, अब हम जाते हैं इस तरफ, इसकी तरफ आते हैं कि लेट से आप ये देखें कि ये जो डिफरेंट मटीरियल है, PVC या ABS या जो दूसरे प्लास्टिक वगैरह के मटीरियल हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी जो है कॉयल इसके ऊपर लगी हुई है, ये वो मटीरियल है जो इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हीट हो रही है, जहाँ पर ये मटीरियल जो है नोज़ल से होता हुआ, जो ये आप देख रहे हैं XYZ जो है ना, वो एक कोऑर्डिनेट लेके तो अपनी डायरेक्शन ले रहा है, जो हम हाथ से घुमा रहे थे। तो जो सिंपल चीज़ वो ये है कि आप 1-2 लाख में आराम से ये चीज़ बाय करके, हम लोग बना रहे हैं इसको, पाकिस्तान ओन्ड है, यानी पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट है, यानी पाकिस्तान में बनी है, सारी की सारी प्रोडक्ट यहाँ बन रही है। पाकिस्तान में पहला 3D मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है ये, जहाँ पे हमने प्लान ये किया है कि ये टेक्नोलॉजी आम हर घर में होनी चाहिए, हर घर की ये ज़रूरत। इस तरह भी बन सकती है कि आप अपने ही घर में लगा के इससे मुख्तलिफ बिजनेस कर सकते हैं। और ये एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, फॉर एग्जांपल ये की चेन है इस वक्त, ये जो इसके आगे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये इसी मशीन से बना, बल्कि अभी जो बन रहा है यही बन रहा है। जी अभी ये देखें कि जो जो अभी आप बता रहे थे, देखें ये जो ये मेटल का ये पार्ट है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, शालमी से मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये लोकल भी बन रहे हैं और इम्पोर्टेड भी हैं, आप ये ले सकते हैं। ये तकरीबन कितने का, 3-4 रुपये का, बहुत सस्ता ये आता है। लेकिन इसी के साथ आप ये देखें कि ये जो फ़र्क आप देख रहे हैं, ये नीचे प्लास्टिक का पार्ट है, आप यहाँ पे अपना डिफरेंट नेम जो है वो कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये देखें, ये पार्ट जो है नीचे बन रहा है ये वाला। अब 3D प्रिंटर से आप डिफरेंट शक्ल बना सकते हैं, डिफरेंट राइटिंग कर सकते हैं। एक और भी है कि नेट पे भी इसके डिफरेंट डिज़ाइन पड़े हुए हैं, और आप कर कह सकते हैं कि अपने जो मेमोरी कार्ड है उसमें आप डिज़ाइन डालें और ये बनाने लग जाएगा। तो आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं, आप अपने घर की जो हाउस होल्ड छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि बिजनेस कर सकते हैं। अभी की रिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, आप ये मशीन बाय करके अपने घर में लगा लें, इसकी ट्रेनिंग ले लें सिंपल सी, उसके बाद आप डिफरेंट जो है की रिंग के जो डिज़ाइन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, या जो लोग आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जी मेरे नाम से और मेरे जो है लोगों से अगर ये चीज़ बना दें, तो आप बना के इस तरह से बेच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है जो बेसिकली आप आराम से लो पावर, छोटी यानी कह लें कि एक जगह के ऊपर इसको बना सकते हैं। की रिंग ही अगर आप बनाएं तो ये कई किस्म के, इवन एक्सपोर्ट भी बनाए किए जा सकते हैं। लोग आपको डिज़ाइन भेजेंगे, आप उसके मुताबिक जो है अपना वो बना के उनको भेजें। और भी इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रियल बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, फ़र्ज़ करें पूरी दुनिया में प्रोटोटाइप इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर बड़ी डिपेंड कर रही है। आप अपना मोल्ड, अपना डाइस, हर चीज़ बनाने से पहले टेस्ट कर सकते हैं और उसको सारे के सारी। अब हम चाहते हैं कि ये प्रिंटर ऑलमोस्ट हर घर में हो, ताकि वो इसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बना सके। बहुत ज़बरदस्त है, मैं ज़रा इनको समराइज़ कर दूँ, जो मेरे जैसे देसी लोग हैं जिनको आसान ज़ुबान में मैं समझाता हूँ कि आप प्रिंटर होगा आपके पास, आप पेजेस पे कोई चीज़ सफ़ों पे आप प्रिंट करते हो,
ये उसकी फॉर्म है 3D वाली, जिसमें आप इस तरह की शक्लें बना सकते हो, इस तरह की चीजें बना सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये पाकिस्तान में अपनी मेड इन पाकिस्तान 3D प्रिंटिंग की मशीन है जो इन्होंने बनाई है। और अब आप सब सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये उल्लू बना सकते हैं वैसे प्लास्टिक का कह रहे हो अच्छा इन्होंने आप मुझे ये भी कह रहे थे कि इसके अलावा और हमारी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह इसमें ना आपको नजर आएगा शक्ल वो पूरी आपको नजर आएगा। अच्छा ये बहुत लाइट जो है वो बहुत जबरदस्त चीजें दिखा रहे हैं। ये इसके अंदर एक तस्वीर है, बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है लाइट के। ये भी देखेंगे 3D प्रिंटर से बनी, अगर ये लाइट पे आप इस तरह करते हैं ये देखें, और इसमें आपकी जो है वो सारी जो देखें एम्बेड हुई पिक्चर्स है वो आप दिखा सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से काम आप कर सकते हो। लेकिन अब आपके पास ये टेक्नोलॉजी जो बहुत महंगी थी, सिर्फ बड़े बड़े मुल्कों में मिलती थी, यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी सपोर्ट मौजूद है, इसकी ट्रेनिंग मौजूद है, इसकी आफ्टर सेल सपोर्ट जो है पार्ट्स में, किसी किस्म का कोई मसला है आपने बेफिक्र होके इसको दबा दें, इसको लगा दें जो है और रातों रात चीज़ें बनाएं। मेरे ख्याल में ये हर स्कूल हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए एज अ रिसर्च एज वेल, कि लोगों को दिखा सकें, बच्चों को दिखा सकें। इसके काफ़ी बड़े बड़े सेटअप बन भी रहे हैं, अभी हम जो है एक बहुत बड़ी लैब है जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो भी उनके साथ भी हमारी बातचीत हो गई। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाकी जो स्टडी के जो बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, यानी कह लें एजुकेशनल जो अदारे हैं या इवन रिसर्च के, वहाँ ऑलरेडी हम बहुत सारा कुछ भी लगा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और इससे बड़ी चीज़ यह है कि ये बहुत बड़ी बड़ी स्केल में बड़े जो हैवी लंबे चौड़े प्रिंटर हैं वो भी बना रहे हैं, ताकि बड़ी प्रोटोटाइप इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी पूरी गाड़ी बना के भी आप टेस्ट कर सकते हैं वो सही है या क्या है। अच्छा हमने अब करना ये है कि कुछ चीज़ें जो यहाँ बनी हुई हैं कुछ वीडियोस हम वो रिलीज़ करते हैं जिसमें ये जो एक्चुअल चीज़ें बन रही हैं ये बनती हुई दिखाई जाए, ताकि वो भी ये देख सकें। बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, आप इस तरह की मशीन बहुत कम पैसों में अपने घर लेके आ सकते हो, उससे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इसका यूज़ है, प्रोटोटाइपिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो अभी मेरे साथ बल्कि बहुत बड़ी फैक्ट्रीज की लगाने जा रहे हैं। ये अंदर भी आप देख रहे हैं सारे प्रिंटर जो है वो बन के लगे हुए हैं। अभी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो 3D प्रिंटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हमने सोलर की बात की, वो होने जा रही है, ताकि हम इसको लोकल और इंटरनेशनल भी वो लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, आपकी पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त काम की है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो दुनिया में बहुत कम है, वो पाकिस्तान में ना सिर्फ आ गई है बल्कि मैन्युफैक्चर हो रही है। मेड इन पाकिस्तान पूरी 3D प्रिंटिंग मशीन आप ले सकते हो। तो अगर आपको चाहिए, नीचे हम नंबर लगा देंगे या वीडियो के अंदर नंबर लगा देंगे, आप फ़ोन करें। ये मशीन अगर आपको चाहिए तो ये मशीन खरीदें, इससे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोर्ट लेनी है, एडवाइस लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी आपको चाहिए नंबर्स पे आप कॉल करके, जो इनकी टीम है वो पूरी आपको सपोर्ट भी देंगी और आपको बताएंगी कि इसके एप्लीकेशन के। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।